हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ एक और नई डिजाइन का डोरमेट। और इसे बनाने के लिए देखिए, मैंने जूट की बोरी ली है। आप इसको रस्सी से भी बना सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, जूट की बोरी को हमने ऐसे सीधा बिछा लिया है। और देखिए यहाँ पे हम, ये देखिए 3 इंच ये चौड़ा निशान लगाएंगे। ये देखिए ऐसे यहाँ पे लगा लिया। अब थोड़ा सा आगे लगा लेंगे क्योंकि हमें स्ट्रेट ये पट्टी काटनी है। इसमें से पूरा लंबाई में काटना है आपको ऐसे। अब आप चाहें अगर थोड़ा सा ये इस तरह से मिला भी सकते हैं ऐसे रख के, या फिर अंदाज से भी काट सकते हैं। ये देखिए ऐसे ये कर दिया मैंने। ऐसे देखिए पूरा ये इस तरह से लाइन ड्रॉ हो गई है यहाँ पे। अब हम इसको यहाँ से देखिए कैंची की मदद से कट कर लेंगे। और इसका डोरमेट जो बनेगा वो काफी मजबूत बनेगा और आप बहुत ही आसान तरीके से इसको बना सकती हैं। जिन लोगों को बुनाई नहीं आती है वो भी डिजाइनर बना के अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ से हमने पूरा इसको कट कर लिया। स्ट्रिप इस तरीके से आपको बराबर कट करनी है। यहाँ पे थोड़ा सा ये डबल जुड़ा हुआ है इसलिए, तो यहाँ से हम इसको ऐसे कट कर देंगे। देखिए अब देखिए इधर जॉइंट है तो हम इधर से भी इसको कट कर लेंगे। सिर्फ मुझे 3 इंच चौड़ी पट्टी चाहिए। ये लंबाई जितनी आपकी बोरी की है वो आप ले सकती हैं। तो हम इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए पूरी बोरी आपको इसी तरह से कट कर लेनी है। और जो यहाँ पे ये ऐसे है इसको हम यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे ऐसे इस तरह से। ये देखिए यहाँ से हमने इसको ज्वाइंट कर लिया और यहाँ पे हम एक नॉट लगा देंगे ताकि ये खुले नहीं। ये देखिए ऐसे इस धागे को हम यहाँ से कट कर देंगे। जितनी ये बोरी आपको चाहिए, करीब 1.5 बोरी करीब लग जाएगी। ज़्यादा बड़ा आप बनाएंगे तो इसमें 2 बोरी का भी बना सकते हैं। अब देखिए जो इधर रहेगा ये जुड़ा हुआ है इसको हम ऐसे देखिए यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे। तो ये अंदर के साइड रहना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम ये देखिए मुड़ा हुआ है हमारा ये, तो ऐसे ही हम छोड़ दे रहे हैं। अगर आपका यहाँ से कटा हुआ है तो आप इसको ऐसे फोल्ड कर लें। देखिए ऐसे करके ऐसे यहाँ से इसको अंदर को मोड़ लें। तो हम इसको ऐसे ही यहाँ से फोल्ड कर दे रहे हैं, इधर से ऐसे कर दे रहे हैं देखिए। और इस तरह से आपको एक पट्टी बना के तैयार करनी है स्ट्रिप। देखिए ऐसे आपको सिलते जाना है। आप इसको थोड़ा बड़ा भी सिल लें तो जल्दी हो जाएगा। ऐसे रखेंगे और यहाँ से फोल्ड करेंगे देखिए इस तरह से। क्योंकि सिर्फ आपको यहाँ पे ये धागा ना निकले इसलिए सिलाई लगानी है। तो आप थोड़ा लंबा टांका भी ले सकती हैं, थोड़ा थोड़ा मोड़ के इस तरह से ऐसे। पट्टियाँ आपकी बराबरी होनी चाहिए।
इसी तरीके से हम यहाँ पे एक ये लंबी पट्टी बना के कंप्लीट कर लेते हैं, सारा ये जोड़ के बोरी, फिर मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये सिल के कंप्लीट कर लिया। आप देखिए जो हमने स्टार्टिंग में कॉर्नर बनाया था उसको हम पकड़ लेंगे। ये देखिए इसको हमने साइड में कर दिया रस्सी को, और यहाँ से देखिए ऐसे राउंड राउंड करते हुए हम सिलेंगे। ये देखिए ये जहाँ पे सिलाई लगाई है उसी को हम सिलेंगे पकड़ते हुए ऐसे। देखिए ये आपको पकड़ लेना है और इधर से मिलाते हुए देख लेना है, ऐसे एक बार चेक करते हुए जाना है आपको। ये इधर एक साइड सीधे साइड क्लियर होना चाहिए। ऐसे सिलते जाएंगे। कहीं भी इसमें धागे अब नहीं निकलेंगे और काफी ये मजबूत बनके कंप्लीट हो जाएगा। इधर देखिए इस तरह से आ जाएगा, इधर को आप चेक करते रहें। इस तरह से राउंड राउंड करते हुए हम यहाँ पे ये करीब 8 राउंड बना लेते हैं। अगर आपको ज्यादा बड़ा चाहिए तो आप इसमें 10 या 12 राउंड भी बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 8 राउंड हमने बना लिए हैं, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8वां राउंड यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो हम इसमें डिजाइन डालेंगे, तो देखिए हम फिर से इसको पलट लेंगे क्योंकि डिजाइन ऐसे ही उल्टे साइड से ही डलेगी। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हमें एक रिंग बनाना है, ऐसे देखिए इसको हम यहाँ पे 2 बार टाँकेंगे, 1 और वापस 2, ये हो गया। अब हम इसको पकड़ लेंगे, इसके बराबर हमें ये फिर से करना है और यहाँ पर हमें ये फिर से 2 बार इन दोनों में पट्टियों में से मिला के ऐसे टांक देना है। ये देखिए कि 2-2 बार करते हुए हम इसको बनाएंगे। अब वापस देखिए इसको हम लेंगे और ऐसे इसके बराबर ही होना चाहिए, ज़्यादा कम छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। ये उंगली को बचाते हुए सिलना है आपको इस तरह से। अब यहाँ से देखिए इस तरह से ऐसे देखिए, तो हम ऐसे ही ये वाला राउंड को पूरा करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ तक करेंगे, फिर दिखाएंगे आपको। ये देखिए लास्ट तक हमने इसको बना लिया, ये सीधे तरफ से ऐसा दिख रहा है। अब हम फिर से पलट लेंगे और देखिए इसको हमने, देखिए यहाँ से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं तक हम आ गए हैं। अब देखिए हम यहाँ से ऐसे इसको लेंगे और इस वाले में यहाँ पे ऐसे जॉइंट कर लेंगे। देखिए ऐसे इसको भी हम 2 बार टांकते हुए जाएंगे, ये हो गया। अब देखिए अगले वाले में से हम ऐसे यहाँ से इसको सेंटर में से दोनों को ऐसे करके कर लेंगे। ये देखिए आप चाहें तो धागा इसके अंदर से भी निकाल सकते हैं। ये देखिए ऐसे सभी को हम ये देखिए इस तरह से हम ये राउंड को कंप्लीट करेंगे। ऐसे करते जाएंगे और ऐसे ही हम देखिए पूरा यहाँ तक वापस आते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया पूरा राउंड यहाँ तक। अब देखिए सेम तरीके से हम सिंपल एक राउंड और बनाएंगे इसमें, ऐसे देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे बराबर करते हुए बनाना है आपको, ज़्यादा लूज नहीं छोड़ना है। ऐसे देखिए सिलते जाना है ऐसे इसमें, तो हम ऐसे ही यहाँ तक जहाँ से हमने ये दूसरा राउंड स्टार्ट किया है इसका, ये देखिए यहाँ तक आ जाते हैं, फिर दिखाते हैं।
ये देखिए मैंने इसके दो राउंड यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। यहाँ से देखिए हमने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे दो राउंड कंप्लीट होते हैं। अब ये वाली डिजाइन को हम रिपीट करेंगे। तो देखिए यहाँ से सेम तरीके से आपको ये डिजाइन डालनी है, ऐसे इसको दो बार यहाँ पे सिलना है। और ये कंगूरे जो है बड़े छोटे नहीं होने चाहिए आपके, इसको आपको ऐसे देखते हुए डालने हैं बराबर इस तरह से। यहां से इसको हम पकड़ेंगे और ऐसे ही हम पूरे में ये डाल लेंगे। तो ये एक राउंड हम इसका डिजाइन का कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ से लेके पूरा राउंड हमने यहाँ तक कंगूरे का कंप्लीट कर लिया। अब देखिए हम सिंपल दो राउंड फिर से बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पे डाले हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमने ख़त्म किया, तो अब हम इस वाले में जो हमने यहाँ पे बनाया था इसमें हम यहाँ पे पहले ऐसे इसके ठीक बराबर पे ऐसे कर लेंगे, इसको टाँक लेंगे दो बार जैसे हमने ये नीचे बनाए हैं ठीक वैसे ही ये बनाने हैं। अब देखिए यहाँ से हम ऐसे पकड़ेंगे इसको और ऐसे मिलाते हुए हल्का सा इसको टाइट हाथ से रखेंगे ऐसे खींच के, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। जो ये कंगूरे जो हैं आपके सेट होने चाहिए तो वो आप देख लीजिए। उसके बाद हम ऐसे टाँकते जाएंगे, ये देखिए इसमें से यहाँ पे ऐसे दो बार टाँकना है आपको ताकि ये लूज ना पड़े वापस इसको ऐसे। तो हम ये यहाँ पे इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे ऐसे लाके, फिर इसके बाद एक राउंड हम सिंपल जैसे हमने इसमें बनाया था वैसे ही बना लेंगे। दो राउंड कंप्लीट इसके करके फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे दो राउंड पूरे कर लिए, यहाँ पे देखिए ये दो राउंड पूरे हो गए इसके। अब हम इसको पलट लेंगे। अब हम यहाँ पे दूसरी डिजाइन डालेंगे। तो देखिए पहले हम एक कंगूरा इसमें ये छोटा बनाएंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इसी के हिसाब से ये बनेंगे। तो देखिए ये हमने इससे छोटा बनाया। अब यहाँ पे देखिए इससे थोड़ा सा बड़ा, ये देख लीजिए आप, थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा बड़ा बना देंगे। जो तीसरा बनेगा वो और थोड़ा सा बड़ा बनेगा इससे, ये देखिए। तो ऐसे ही यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे ये आधा बन गया। अब हम ये वाला इधर रिपीट करेंगे, पहले हम ये बनाएंगे फिर ये बनाएंगे। तो देखिए ये इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कितना आपने ये लिया, उतना ही आप इसको रखें छोटा ऐसे। इसी को आपको आगे रिपीट करते हुए जाना है, ये देखिए। अब फिर से उससे छोटा, ये देखिए, और इसको आपको इस तरह से रखना है जैसे आपने ये वाले बनाए हैं ठीक वैसे ही आपको ये बना लेने हैं। अब देखिए यहाँ से दूसरा ये कंगूरा स्टार्ट होगा, तो हम पहले छोटा बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पे बनाया था, इसके बराबर बनाना है आपको। ये बन गया, अब इससे थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ये देखिए इतना बड़ा लगभग, थोड़ा अंतर रखेंगे, ज्यादा अंतर नहीं रखेंगे ऐसे। अब उससे बड़ा, ये देखिए आप देखिए ये वाला बनाएंगे हम ऐसे, ये देखिए इस तरह से ये काफी प्यारा बनके कंप्लीट हो जाएगा। अब उससे छोटा ऐसे, तो ये अपने आप ऐसी डिजाइन आपकी आ जाएगी। तो हम ऐसे ही पूरे में लास्ट तक बना के देखिए कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये आपकी डिजाइन यहाँ पे आ जाएगी, ये देखिए इस तरह से हमने ये पूरे में बना लिए हैं। लास्ट हमारा देखिए ये वाला बड़ा है, इसके बाद छोटा है और एक का स्पेस और बचा है, तो यहाँ पे छोटा वाला बनके कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। और इस वाले को हम अब यहाँ से ऐसे करके थोड़ा सा
यहाँ पे अच्छे से टांक देंगे। उसके बाद हम ये वाला जो बचा है इसको हम कट करेंगे। ये देखिए, इसको हमें बहुत अच्छे से यहाँ पे टांकना है और फिर कट करना है। ऐसे देखिए, ये पूरे में ऐसे बन के कम्प्लीट हो गए। और अब देखिए, हम यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई और डालेंगे क्योंकि ये वाले सेट रहे हैं इस तरह से। तो ये मिलाते हुए हमें पूरे में एक सिलाई और डाल देनी है। तो देखिए, हम यहीं से ये कट हम बाद में कर लेंगे। तो ऐसे देखिए, यहाँ से ऐसे करके इनको एक बार ऐसे करते जाएंगे, जो जैसा है उसको वैसे ही हम बराबर करते हुए ऐसे देखिए। तो ये कंगूरे बिल्कुल सेट रहेंगे आपके, इधर उधर नहीं होंगे, यूज होने पर भी ये बिखरेगा नहीं। ऐसे इसके बाद ये वाला आ गया, बड़ा वाला। तो हम ऐसे ही ये सिल के कंप्लीट कर लेंगे। और इस वाले को देखिए, यहाँ से हम कट कर देंगे तो ये पूरा ऐसे बन के कम्प्लीट हो गया। ये देखिए, इस तरह से ऐसे सेट हो जाएंगे ये। अब सिल जाएंगे तो ये सेट हो जाएंगे सारे।